हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मथुरा वेटनरी टेस्ट की, जिसका अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसका नाम है मथुरा प्री वेटनरी टेस्ट। तो उसकी डिटेल्स आ चुकी है, तो आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसके लिए 1800 रुपये की फ़ीस है, जो आपको ऑनलाइन जमा करनी होती है। और मथुरा वेटनरी में, जो मथुरा वेटनरी कॉलेज है, उसमें BBSC एंड AH, MVSC एंड PhD कोर्सेज होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं BBSC एंड AH प्रोग्राम, जिसकी डेट्स हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, एंड इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2019। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो प्री वेटनरी टेस्ट, जिसका प्री एग्ज़ाम की डेट है 19/5/2019, यानी 19 मई 2019 संडे को। इसके बाद मेन एग्ज़ाम की डेट है 23 जून 2019 संडे को, एंड काउंसलिंग स्टार्ट है 23 जुलाई 2019 से। अब बात कर लेते हैं इसके आगे प्रोसेस की। तो चलते हैं पेज नंबर 10 पर। देखिए, पेज नंबर 10 पर यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी हुई है बाकी की। तो जैसे कि प्री एग्ज़ाम की डेट बताई थी 19/5/2019, जो कि सुबह 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का एग्ज़ाम है। और सेंटर्स एज पर द सेंटर अलॉटमेंट, यानी इसके लिए आपको सेंटर चुनना होगा, जो कि इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद मेन एग्ज़ाम की डेट है 23 जून 2019, और उसका एग्ज़ाम भी 8 बजे से 11 बजे तक होगा, और उसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह है मथुरा। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। तो इसकी काउंसलिंग 23 जुलाई से स्टार्ट होगी, जो कि वेटनरी कॉलेज कैंपस मथुरा में कंडक्ट होगी। बात कर लेते हैं सीट्स की। तो मथुरा कॉलेज में वेटनरी के टोटल 80 सीट्स हैं, जिसमें कि VCI सीट्स 15%, ओपन सीट्स 36, पेमेंट सीट 18। तो पेमेंट सीट्स वो सीट होती है जिनमें आप मतलब डोनेशन के रूप में सीट ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा पेमेंट पे सीट ले सकते हैं। NRI की 4 सीट है, वुमेन कैटेगरी की 8 सीट है, एंड यूनिवर्सिटी वार्ड कैटेगरी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के काम करने वाले हैं, उनके लिए 2 सीट है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ही शुड बी हैव पास्ट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए 12th में। सेकंड, आपकी एज 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, एंड 25 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले। इसके बाद आ कैंडिडेट अंडर जनरल कैटेगरी फॉर एडमिशन टू द बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री सेल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप इंग्लिश, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में पास होने चाहिए एंड ऑब्टेन 50 मार्क्स, और आपके कुल मिलाकर 50% होने चाहिए। और यदि आप SC ST से हैं, तो आपके 5% का आपको उसमें रिजर्वेशन मिल जाता है, तो आपके 5% मार्क्स कम होने चाहिए। इसके बाद करते हैं द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ फॉर एडमिशन टू BBSC एंड AH कोर्सेज सेल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट इन द मेन PWT एग्जामिनेशन। तो जो आपका सिलेक्शन होगा, वो मेन PVT एग्ज़ाम के अनुसार होगा, यानी अगर आपका मेरिट जो है आपकी PVT के अनुसार ही बनेगी। इसके बाद द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन टू BBSC एंड AH प्रोग्राम सेल बी 50%, यानी कि आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए टेस्ट में। और अगर आप OBC से हैं या SC ST से हैं, तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट है, ही/शी मस्ट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी आपका जो डोमिसाइल है वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। और यदि आप NRI हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 12 पर। तो पेज नंबर 12 पर यहाँ पर इसके एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं, जो कि हैं बरेली, कानपुर, लखनऊ, मथुरा एंड प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। और इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा, वो मथुरा में कंडक्ट होगा। इसके बाद
जैसे कि हमने बताया था कुछ सीट्स में पेमेंट सीट्स भी हैं, तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 3 लाख रुपये फ़ीस देनी होगी पेमेंट सीट के लिए। बाकी डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके रिजर्वेशन की, तो इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है। जैसे कि एससी के लिए 21% सीट्स रिजर्व है, एसटी के लिए 2% सीट्स, ओबीसी के लिए 27% सीट, जनरल के लिए 50% सीट्स। बाकी इसमें कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन भी हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट रिजर्व है, और आर्म फोर्सेस के लिए 1 सीट, एंड हैंडीकैप्ड के लिए भी 1 सीट इसमें रिजर्वड है। तो फ्रेंड इसमें इतना ही है, बाकी इसमें इतनी कुछ खास नहीं दिया हुआ है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।